कथाकार, आपकी कहानी हमारी जुबानी। यस, इफ यू हैव अ स्टोरी वी विल नरेट इट टू द वर्ल्ड। द नरेटर्स इंडिया, कलाक्षेत्र ग्लोबल, सैट नाइन इंडिया एंड रिवर्स पब्लिकेशन प्रेजेंट कथाकार। और आज के कथाकार हैं कर्नल विवेक पी सिंह, जो पढ़ने जा रहे हैं अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका नाम है सिर्फ तुम। हो सकता है कि तुम कुछ और लिखना चाहती थी, पर उसकी आंखें मुझे खींच रही थीं। मैं सच्चाई की जो शफाफ झलक थी, वो अनायास अपनी खुलूसी ताब में आया हो जाने का दम भर रही थी। ये अल्फाज यूं ही नहीं अपने वजूद में आ जाते जब तक इसके पीछे कुछ मुकम्मल एहसासात ना हों। इन हर्फों में हकीकत का वो अक्स था जो अपनी सही सूरत इख्तियार करने के लिए किसी मुलम्मे का मोहताज नहीं था। उसकी आंखें तुम्हें न खींच रही होती तो तुमने शायद कुछ और लिखा होता खत में। कुरेद कर पूछना आज भी मेरी आदत में शुमार नहीं, पहले भी मैं ऐसा ही था। तुमने भी बताया नहीं था कुछ, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था। मैं एकेडमी में था, करीब 8 महीने हो चले थे ट्रेनिंग के, तुम चंडीगढ़ में थी। कहीं मुलाकात हो गई होगी तुम्हारी, हो सकता है कुछ बात भी हुई हो। कुछ तो हुआ होगा जो उस मंजर तक ले गया होगा तुम्हें उसके साथ, जहां तुमने उसकी आंखों में देखा तुम्हें उसकी ओर खींचते हुए। तुम उनमें से नहीं थी जो नजरें चुरा कर इधर उधर से निकल जाओ। तुम्हारी शख्सियत की बेबाकी और बेपरवाह बेफिक्री काबिले तारीफ है। तुम ठीक आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। तुम्हारे फैसले मजबूत होते हैं जिन पर तुम बेहिचक कायम रहती हो। अचानक कहीं टकरा गए होंगे दोनों, या फिर किसी और मौके पर दोस्तों के साथ किसी पार्टी या गेट टुगेदर में। हो सकता है मुझे तुम्हारे साथ न देखकर उसने मिलने की कोशिश की हो, बस यह जानने के लिए कि ऐसा क्या हो गया जो इतना कुछ हो गया। यह सब ख्याल जिनसे मैं गुजर रहा था, ये इस खत से पैदा हुए हालात के बाइस थे। यह खत ना आया होता तो ये फसाने मेरे जहन में अपना कोई इस शक्ल का वजूद हासिल ना कर रहे होते। मजे की बात यह थी कि वैसा ही गुलाबी खतों का बंडल अब मेरे पास भी था, जो मैंने उस दिन तुम्हारे पर्स में देखा था, जो मेरे मन के कोने में पोशीदा किसी एक अजनबी किस्से का होना दर्ज कर रहे थे। मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं और तुमने कभी बताया नहीं उस किस्से के बारे में। किसी के होने का एक हल्का एहसास तो मुझे हुआ था, पर यकीन में कुछ न आ पाया और न ही लाने की जरूरत महसूस हुई। वह तुम्हारा माजी था। कुछ अफसाने मेरे माजी में भी तो थे। मेरा माजी जा चुका था वक्त के साथ खेलकर, पर तुम्हारा शायद यहीं कहीं था अब भी। मेरे जहन के ख्याली सड़क पर दौड़ रहे थे मेरे ख्याल तुम्हारा खत पढ़ने के बाद।
वैसे बाद में ही तुमने तमाम बार तमाम कोशिशें की मुझको यह जताने की कि वह खत तुमने ऐसे ही मुझे छेड़ने के लिए लिखा था, पर तुम्हारी हर कोशिश इतनी मासूम थी कि मासूमियत के अलावा मुझसे कभी कुछ और हासिल न कर सकी तुम कभी भी उस बाबत। मुझे जैसे असलियत का एहसास हो गया था, पर मैं भी उस वक्त उतना ही मजबूर था जितना शायद तुम और वो। अपने अपने हाशिए पर हम तीनों उस जमीन को तलाश कर रहे थे जहां हम अपना हक अदा करते हुए हालात से तो मात खा जाने को तैयार थे, पर अपने किरदार को बचाए रख सकने की भरपूर कोशिश में। जहां हासिल की चाह हो वहां खोने का डर हावी हो ही जाता है, और यह डर कई बार हमें कमजोर कर जाता है जहां हम थोड़ा गलत कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। पर यहां पाने की चाह और खो देने का डर तो था, पर इन हालातों ने हमारी कोशिश को शर्मिंदगी का रास्ता इख्तियार न करने दिया था। हम तीनों के ख्याल एक दूसरे को लेकर मौजूदा हालात में भी जैसे बशरियत की जमीन पर पाकीजगी तलाश कर रहे थे। हम तीनों उस कश्मकश में थे जहां जो भी हो मंजूर था, किसी एक के साथ बुरा होना तय था, पर हम तीनों की तवज्जो इस बात पर थी कि बुरा हो सो हो पर किसी के साथ कुछ गलत ना हो। अचानक बुरे और गलत का फर्क मन में कौंध गया। घड़ी फैसले की थी, पर फैसले का हक न मेरे पास में था न उसके ही। हम दोनों ही गुलाबी लिफाफों के भीतर लिखे गए जज्बात की डोर से बंधे थे, जिसके टूटने से किसी एक दुनिया का बिखरना तय था। तुम्हारे सिवा हम दोनों में किसी एक का इस खेल में जीतना तय था। जो भी जीतता वो दरअसल अपनी शह का भार अपने सीने पर रखकर ताउम्र जीने को मजबूर था। किस्मत भी कैसे कैसे हालात पैदा करती है। फैसला तुम्हारा था, खत तुमने लिखे थे हम दोनों को। इस कहानी की अगली कड़ी जो मेरा 16वां सफा होगा वो फिर कभी। सो दिस वॉज आवर स्टोरी सिर्फ तुम, रिटन एंड नरेटेड बाय कर्नल विवेक पी सिंह। अगली बार आपके सामने एक नई कहानी एक नई आवाज लिए फिर हाजिर होंगे आपके अपने पॉडकास्ट कथाकार पर। आपकी कहानी हमारी जुबानी, आपके किरदार और हम बने हिस्सेदार।